हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनु लाइफ स्टाइल। जैसे आप सबको पता है कि मेरा नाम है अनु और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है और मैं थोड़ी देर पहले ही शावर लेके आई थी और इनसे पूछा कि आपको ब्रेकफास्ट क्या चाहिए। तो इन्होंने हमेशा, अगर मैं जब अक्सर इनसे पूछूंगी कि आपको ब्रेकफास्ट क्या चाहिए, तो ये ज़रूर बोलेंगे मैगी, और मैं अपने मन से कुछ भी बना दूँगी तो वो खा लेंगे। लेकिन जब भी मैं पूछूंगी तो उन्हें मैगी खानी है, बिकॉज़ उनकी मैगी फेवरेट है। मैंने अक्सर व्लॉग में सब लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट मैगी है। फाइनली बना रही थी मैं उनके लिए यहाँ मैगी, और मदर इन लॉ को भी बोल रही थी कि मम्मी जल्दी से आप रेडी हो जाओ, बिकॉज़ मुझे और उनको कहीं जाना है। सिस्टर इन लॉ नहीं जा रही हैं, बिकॉज़ बच्चों की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, उधर से शायद जीजू लोग आएंगे आज। तो फटाफट मैं मैगी बना के रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। ये तीनों चीज़ें फिर मिक्स करूँगी, इसके बाद बनाऊँगी। किसी दिन आपको मैगी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग को लेट हो रहा है कहीं जाने में। ये तो देखो, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो लेटती हूँ। खलील इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी ये आके यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। फटाफट रेडी होंगे, बिकॉज लड़कियों को टाइम ज़्यादा लगता है रेडी होने में। तो इन्होंने मेरे से बोला कि तुम लोग रेडी हो जाओ, तो मैं तो रेडी ही हूँ। तो मैं, हम लोग जा रहे हैं, शायद मम्मी भी नहा चुके हैं तो वो भी जाएंगे रेडी होने में। फिर रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। बस मोहम और मम्मी जा रहे हैं कहीं, जहाँ जा रहे हैं अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ, सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। दिखाऊंगी ज़रूर, बने रहना आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अभी मैं आपको मम्मी को भी दिखाती हूँ, वहाँ भी रेडी हो चुके हैं। मैं और मम्मी जा रहे हैं, दीदी नहीं जा रही हैं आज। ये देखिए मेरी मम्मी है, ये मेरी मदर इन लॉ है। मैं मम्मी आज कहीं जा रहे हैं, बहुत दिन बाद जा रहे हैं। बहुत दिन बाद ही मैं मम्मी साथ में जा रही हूँ, जाती थी बट दीदी के साथ जाती थी। मम्मी के साथ बहुत कम जाने का मौका मिलता था। सो दीदी उधर हैं, पैसे को लिए हुए हैं, मैं मम्मी के साथ हूँ। बैठो, मम्मी बैठ रही हैं। मम्मी की गेट बंद करो। मुझे लगता है वो जिम्मेदारी का बस्ता। मैं मम्मी बहुत कम जाते हैं साथ में, हम लोगों को मौका नहीं मिलता जाने के लिए। दीदी के साथ जाते रहते हैं। देख रहे हैं आप, मेरी मदर इल्ला है, मिलवा दी आपसे। और एक फ्रेज जो हम अक्सर सुनते हैं मर्द को, कहाँ जा रहे हैं मम्मी हम लोग? बिकॉज नवरात्रि का टाइम चल रहा है, पहले ये होता था वहीं जा रहे हैं। दीदी आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि वैसे भी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आप रहने दो। कहीं ना कहीं विस्तृत हो जाती थी चीजें, मतलब तो मैथमेटिक्स है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, कहीं विज्ञान नहीं। कहीं ना कहीं लगता था कि अरे बाप रे बाप, हम क्या कर, यहाँ पे अपन रुके हुए हैं बिकॉज जीजू आने वाले हैं, हमारे छोटे वाले जीजू आने वाले हैं, जो कि आप उनसे पिछले ब्लॉग में मिल चुके हैं। हम लोग उनका ही वेट कर रहे हैं। सो फाइनली वो आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये हमें नहीं पता, जो भी हो, तो जब वो आ जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, गर्मी बहुत है
एक मिनट आपको दिखाती हूँ, बाहर बहुत धूप है और ये गए हुए हैं नारियल वगैरह लेने, कुछ फ्रूट वगैरह, नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो से आ जाएंगे, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। जीजू का वेट करें, जीजू को कॉल की थी कब तक आ रहे हैं, तो जीजू ने बोला कि बस 5 मिनट लगेगा, तो हम सोचे अपन साथ में ही चलते हैं। वो अपने कार से हैं, हम लोग अपने कार से हैं, आ जाएंगे फिर चलते हैं। दी को भी लाना था आज। जीजू लोग आ गए हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे लगा था गन्ने का जूस वगैरह, तो मैं सोची थोड़ा सा गर्मी है तो पी लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे गन्ने के जूस वगैरह पीने के लिए। हम थोड़ा सा कॉस्मेटिक शॉप पे रुके थे क्योंकि मुझे माता रानी की चुनरी चाहिए थी, तो यहाँ पे आए थे। अभी माता रानी की चुनरी लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं चुनरी परचेस करनी थी। सोची थोड़ा सा मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो लो तुम चलाओ। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा हेल्प कर। यहाँ पे कौन है पीछे? किरण दीदी है। किरण दीदी हाय करो। अर्चू गड्डी चला रही है, गड्डी बहुत अच्छी चलाती है, मुझे सिखाई है, खुद चला रही है। लिफ्ट रखो भाई, लिफ्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है नवरात्रि का अष्टमी, जो कि आज हमारे घर पे है कन्याओं का भोजन। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह बनाती हूँ, फिर हमारी कन्याएं आ जाएंगी। मैं ब्लॉग पे कंटिन्यू रहूँगी और जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और दिखाती रहूँगी कि हमारे घर पे क्या कैसे हुआ। तो चलिए चलती हूँ किचन में और प्रसाद वगैरह बना लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। जैसे आप सबको पता है कि ये मेरी गुल्लू है, मेरी बेस्ट। जैसे अक्सर आपको ब्लॉग में गुल्लू देखने को मिलती थी, ये वही गुल्लू है, सबसे बड़ी कन्या यही है हमारे लिए आज के दिन। तो गुल्लू डर भी रही थी कि क्या कर रही है, फिर मैंने गुल्लू को थाली में ही खड़ा कर दिया कि चलो गुल्लू को आराम से थाली में ही खड़ा कर देती और बढ़िया अच्छे से रंग देती हूँ। गुल्लू सोच रही मेरे पैरों में क्या कर रही है। अभी मैं इसको गुल्लू को बाहर ले जा रही हूँ और
गाइस फाइनली यहाँ पे मेरी कन्याएं कर रही हैं भोजन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कन्या खिलाने में। तो यहाँ पे हमारे तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बहुत ज़्यादा वर्क पड़ा हुआ है, आगे का ब्लॉग